हमारे बच्चे हमारे यहाँ मदरसे में पढ़े हुए तीन तीन बच्चे जो है पीसीएस अधिकारी हुए हैं, हमारे यहाँ कई एमबीबीएस बच्चे डॉक्टर हुए हैं मदरसे से पढ़कर, ऐसा कोई नहीं है। अभी 2020 में हमारे यहाँ का नजर आलम 1 से 8 तक हमारे यहाँ मदरसे में पढ़ा था, वो पीसीएस क्वालिफाई करके अब जो है वो क्या नाम है लेबर कमिश्नर हुआ है। तो अभी मैं मदरसा अंसारिया के सह केंद्र व्यवस्थापक जनाब अकबर साहब से जानना चाहता हूँ कि इस पूरे इम्तहानात जो होते हैं, इस पूरे इम्तहानात के क्या क्या तरीके हैं, और इस इम्तहान के जैसे हाई स्कूल इंटर के इम्तहानात होते हैं लोग जानते हैं, लेकिन मुंशी आलिम फाजिल को इम्तहानात को दूसरे लोग नहीं जान पाते हैं, उन्हें आप समझाने का प्रयास करें। दरअसल ये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के जानिब से ये बोर्ड जो है इससे संचालित होता है, और इसमें सेकेंडरी जो हाई स्कूल के समकक्ष होता है और सीनियर सेकेंडरी जो इंटर के समकक्ष होता है, ये दोनों डिग्री जो है वो हाई स्कूल और इंटर के बराबर होता है, जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ की जानिब से संचालित होती है, उसी का ये इम्तहान जो है हाई स्कूल और इंटर का यहाँ पर हो रहा है। इस इम्तहानात में जो पहले मुंशी और मौलवी के इम्तहान होते थे, क्या वही इम्तहानात हैं कि उसका कुछ नाम चेंज? नहीं, मुंशी और मौलवी, मुंशी का और मौलवी का जो है सेकेंडरी नाम हो गया है, सेकेंडरी अरबी मुंशी और सेकेंडरी फारसी, सेकेंडरी अरबी मौलवी और सेकेंडरी फारसी मुंशी, इसका नाम बदल दिया गया है। पहले इसका मुंशी था और मौलवी था, उसी का नाम बदल कर जो है सेकेंडरी अरबी और सेकेंडरी फारसी कर दिया गया है। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी अरबी और फारसी, जो मुंशी होता था, मुंशी जो करता है था पहले, अब वो जो है फारसी में करेगा, और उसी तरह से वही जो है सीनियर सेकेंडरी में जाएगा जो फारसी वाला है, दो लाइन से होती है इसकी पढ़ाई। मदरसे के बाद में इन बच्चों को क्या सहूलियत क्या मिल सकते हैं? देखिए, ये समकक्ष डिग्री है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की, जो हाई स्कूल पास करता है सेकेंडरी जो हमारे यहाँ से पास करेगा, उसको इंटर में जो फर्स्ट ईयर में जो है उसको एडमिशन किसी भी जो है इंटर कॉलेज में हो जाएगी। जो हमारे यहाँ से सीनियर सेकेंडरी बच्चा पास करता है किसी जो है डिग्री कॉलेज में, उसका जो है बीए में फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन हो जाएगा। ये सेम जो है समकक्ष डिग्री है, तमाम सब्जेक्ट वही जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में है वो यहाँ भी है। यहाँ सिर्फ अरबी और पर्शियन की पढ़ाई जो है एक्स्ट्रा होती है, बाकी सब सेम जो है सब्जेक्ट यहाँ भी है वही। जो आमतौर पे साइंस विज्ञान की पढ़ाई होती है हाई स्कूल इंटर में, क्या यहाँ भी पढ़ाई होती है? यहाँ भी है, साइंस है, समाजी उलूम है, साइंस है, यहाँ तक कि अभी माध्यमिक में जो है अनिवार्य अंग्रेज़ी नहीं है, लेकिन यहाँ हाई स्कूल में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी की और जदीद तालीम की पढ़ाई नहीं होती, तमाम मदरसों में अंग्रेज़ी और जदीद तालीम की पढ़ाई होती है। सिर्फ जो है एक आवाम में ये बना हुआ है कि मदरसों में सिर्फ अरबी और फारसी और दिनियात की पढ़ाई होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अरबी और फारसी कदीम एक ज़बान है, और कदीम ज़बान को कायम दायम रखने के लिए 1936 में अंग्रेज़ों ने ये बोर्ड का क़याम किया था, ताकि उन भाषाओं को बचाया जाए। वही जो है हम लोगों का अरबी फारसी मदरसा है, प्राच्य भाषाओं को बचाने के लिए, न कि जो है दीनी तालीम के लिए। जो अवाम के अंदर ये है कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम होती है, ऐसा नहीं है। हम जो है अरबी और फारसी की पढ़ाई करते हैं, उसमें हम दिनियात की पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें दीन की ही तालीम होती है। हमारे बच्चे हमारे यहाँ मदरसे में पढ़े हुए तीन तीन बच्चे जो है पीसीएस अधिकारी हुए हैं, हमारे यहाँ कई एमबीबीएस बच्चे डॉक्टर हुए हैं मदरसे से पढ़कर, ऐसा कोई नहीं है। अभी 2020 में हमारे यहाँ का नजर आलम 1 से 8 तक हमारे यहाँ मदरसे में पढ़ा था, वो पीसीएस क्वालिफाई करके अब जो है वो क्या नाम है लेबर कमिश्नर हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, मदरसे के बच्चे जो पढ़े हुए हैं हर जगह और हर शोबे में हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आवाम के अंदर में खामखा गलतफहमी पैदा की जा रही है, सिर्फ दुनियात की पढ़ाई होती है और आपके हाई स्कूल में अंग्रेजी, जबकि अब शिक्षा परिषद के बोर्ड में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, आपके अनिवार्य है? मेरे यहाँ बिल्कुल अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में ये पढ़ाया जाता है हाई स्कूल में, जबकि वहाँ मतलब ये अनिवार्य विषय नहीं है, वहाँ वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो मदरसे की पढ़ाई बिल्कुल सुचारू रूप से और बेहतर पढ़ाई हो रही है, और मदरसे के बच्चे पास किए हुए जो हाफिज़ हैं, हाफिज़ कुरान हैं, या सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के जो बच्चे पास हो रहे हैं, हर शोबे में जो है सरकार के साथ जो है वो जाकर साना बसाना जो है कदम मिलाकर अपना काम कर रहे हैं और अपनी मुस्तकबिल को जो है कामयाब भी कर रहे हैं उससे। क्या इन बच्चों को साइंस, अलूम, मैथ वगैरह भी पढ़ाए जाते हैं?
तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बस ये है कि यहाँ उर्दू में पढ़ाई जाती है और वहाँ पे हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट वही रहता है, किताबें वही हैं, बस वो ज़बान का फ़र्क है कि वहाँ अंग्रेज़ी में है और यहाँ पे उर्दू में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जो आम अवाम में जो फैलाया गया है भ्रम पैदा किया जाता है कि मदरसे की तालीम में सिर्फ दीनियात पढ़ाई जाती है, इससे जाहिर होता है कि मदरसे की तालीम में तमाम उलूम पढ़ाए जाते हैं जो देश के लिए, मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए ज़रूरी होता है। इसमें टीटू न्यूज़ के लिए खान अहमद जावेद। मदरसा अंसारिया स्कूल में मौजूद हूँ। इस स्कूल की स्थापना, इस मदरसे की स्थापना जब हुई थी पूरे जनपद में एक चर्चा का विषय बना था, और यहाँ जो प्रिंसिपल हैं उनसे मैं खुद जानना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना और यहाँ की तालीम के बारे में बताएं, और आज जो परीक्षा हो रही है, इम्तहानात हो रहे हैं, इसके बारे में बताएं। इस मदरसे की स्थापना सांसद आली जनाब अफजल अंसारी साहब के ज़रिए हुई है, और यहाँ के बच्चों को दीनी तालीम खुसूसन उसके मद्देनज़र इस मदरसे का बुनियाद रखा गया। लेकिन उसके साथ उन्होंने इस मदरसे को मदरसा एजुकेशन बोर्ड लखनऊ से मान्यता दिलाया ताकि बच्चों को जो सर्टिफिकेट दिया जाए वो अदर स्कूलों में दाखिला ले सके या और भी काम आ सके। और इसमें सारे सब्जेक्ट अरबी दीनियात के साथ साथ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट जो सरकार द्वारा लागू है उसको पढ़ाया जाता है। बस ये है कि यहाँ उर्दू मीडियम है और दीगर स्कूलों में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है, लेकिन वही किताबें चलती हैं। और यहाँ बोर्ड का इस मदरसे में सेंटर सन 2004 से है, चल रहा है, और तब से सेंटर यहाँ पे कोई किस्म का यहाँ न नकल कराया जाता है, इसीलिए आज तक सेंटर कायम है। कोई इस पर इस तरह का आरोप भी नहीं लगा और न कभी किसी तरह की कोई शिकायत मिली। और इंतजाम जो लड़कियों के लिए अलग बैठने की इंतज़ाम है, टेबल बेंच लगाया गया है, और आप खुद देख रहे होंगे कि, और सरकार की मंशा भी है कि इसको नकल विहीन होना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से इम्तहान भी चल रहा है, सीसी कैमरे की निगरानी में, वॉइस के रिकॉर्डिंग में हो रहा है। इस सारे रिपोर्ट जो है ज़िले को या लखनऊ में बैठे हुए हमारे अधिकारी गण इसको देख रहे हैं। मैं अयूब अंसारी मदरसा इस्लामिया हियाउल उलूम गंगोली में सहायक अध्यापक आलिया के पद पर कार्यरत हूँ, और इस बार मदरसा शिक्षा परिषद के इम्तहानात में मुझे विभाग की तरफ से स्टैटिक मजिस्ट्रेट बना करके यहाँ नियुक्त किया गया है। और मैंने जहाँ तक देखा है और मैंने जहाँ तक कोशिश की है, और यहाँ हमें जो है कि नहीं तमाम मदरसीन का और ख़ास तौर से प्रिंसिपल साहब का, अकबर भाई का इतना ताउन मिला है कि जिससे मैं यहाँ पर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बहुत खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रहा हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट है मदरसा शिक्षा परिषद की इस बार की, कम से कम की इम्तहान नकल विहीन हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ इस केंद्र पर इम्तहान पूरी तरह से नकल विहीन और बहुत अदब के साथ और बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। कितने बच्चे इम्तहान दे रहे हैं आप पूरा तफसील बताएंगे आप? जी, कुल 475 बच्चे हैं यहाँ पर, जिसमें सुबह वाली मीटिंग में दो मीटिंग में बांटा गया। इसमें सेकेंडरी पहले ये जान लिया जाए कि पहले हम लोग जिस इम्तहान को मौलवी या मुंशी कहा करते थे, जो हाई स्कूल के इक्विलेंट है, मुंशी उसको कहते हैं कि जो फारसी मीडियम से पढ़ते थे, और मौलवी उसे कहते हैं जो अरबी मीडियम से पढ़ते थे। लेकिन ये याद रहे कि मीडियम भले अरबी और फारसी है, लेकिन पढ़ाई, तालीम वो सारी चीज़ें दी जाती हैं जो अदर जो है कि नहीं ज़बान में अदर मीडियम वाले देते हैं, जैसे साइंस, मैथ और सामाजिक विषय, ये तमाम जितने तालीम जितनी तालीमात दी जाती हैं अदर मीडियम वालों में, वो इसमें भी मदरसा शिक्षा परिषद में भी दी जाती हैं उनकी संचालित मदरसों में। और तो उसी के हिसाब से सेकेंडरी वालों को फर्स्ट मीटिंग में रखा गया, जिसमें कि जिसको कि अब नाम दे दिया गया है सेकेंडरी, मुंशी और मौलवी को अब नाम दे दिया गया है
सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में सुबह वाली मीटिंग में 212 बच्चे हैं, जिसमें 92 मुंशी के हैं, अरे हाँ 92 मुंशी के हैं और 120 मौलवी के हैं। उसी तरह से दूसरी मीटिंग में अब हायर सेकेंडरी जिसको कहते हैं या सीनियर सेकेंडरी, इंटर के इक्विवेलेंट है, जिसको हम लोग आलिम कहते थे उसमें, जो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट है। हाँ वो पिछली तरह अरबी और फारसी मीडियम है सिर्फ, लेकिन पढ़ाई सब वही होती है जो अदर मीडियम में इंटर में होती है। तो उसमें कुल 62 बच्चे हैं इस मीटिंग में। फिर उसके बाद एक डिग्री होती है कामिल, जिसे हम लोग अदर मीडियम में बीए कहते हैं, स्नातक, तो उसे कामिल, इसको जो इसमें जो है कि नहीं कामिल है, तो कामिल में कुल 118 बच्चे हैं। तीसरी डिग्री है फाजिल, फाजिल जो एमए के इक्विवेलेंट है, उसे यहाँ पर फाजिल कहते हैं, और उसमें कुल 83 बच्चे हैं। यानी इस मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में 263 बच्चे हैं, और इन्हीं के आधार पर जो है कि नहीं सुबह में बहुत सुचारू रूप से इम्तहान संपन्न हुआ। और इस वक्त भी आपने तो देखा है घूम करके कि यहाँ का नज़ारा क्या है, कि ये इम्तहान जो है कि नहीं बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है, आपने ये महसूस किया होगा। अब मुझे बताइए कि क्या सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी और कामिल और फाजिल के जो इम्तहान होते हैं जी, क्या इन तमाम इम्तहान में आपका अंग्रेज़ी का होना अनिवार्य है या नहीं? जी बेशक है। अदर मीडियम में तो वैकल्पिक तौर पर रखा जाता है, हाँ। आपकी इच्छा हो तो अनिवार्य कर लीजिए, लेकिन यहाँ तो पहले से ही अनिवार्य है जी। तो आज ये मालूम हुआ कि अरबी बोर्ड के इम्तहान में आपका अंग्रेज़ी अनिवार्य है, जबकि यही माध्यमिक, हाई स्कूल और इंटर के इम्तहान में अंग्रेजी विषय जो है अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लेकिन मदरसा बोर्ड के इम्तहान में अंग्रेज़ी का पढ़ना अनिवार्य है। जी 72 न्यूज़ के लिए खान अहमद जावेद। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरू निशा। अच्छा, कब से क्या करती हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर रसोई काम है। कहाँ काम करती हैं? ये खाना बनाते हैं। तो इम्तहान समय में क्या करती हैं आप लोग? ये पानी बाल्टी में भरते हैं सबको, अब औरतें आदमी को हम लोग पिलाते हैं पानी। अच्छा, कब से, कितने दिन से कर रही हैं? अरे जब से इम्तहान हो रहा है तब से पिला रहे हैं। कई साल से कर रही हैं? इस साल से कर रही हैं? नहीं, इस साल से नहीं, कई साल से कर रहे हैं। जब से हम लोग रसोई का काम कर रहे हैं तब से पिला रहे हैं। पानी पिला रही हैं? हाँ, देखिए पिला रहे हैं।